नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमेचुअर प्राइम का डिजिटल फेसबुक अदर सोशल मीडिया पेज लाइव, और मैं आपके साथ कुमार गोस्वामी। दिल्ली समेत पूरे देश में जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, उसके बाद मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान ऐसा वक्त आया था जब मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई थी और लोगों ने इस बात को लेकर सुकून महसूस किया था कि कोरोना वायरस शायद कमजोर पड़ रहा है, और लोगों ने जो एहतियात अपने घरों में, अपने दफ्तरों में और अपने परिचालन के दौरान अपनाए थे, वो शायद ज्यादा कारगर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसने भी अपना काम किया था, लेकिन अब अकेले हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 3 दिनों में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और लगातार ये जो स्टैटिस्टिक है वो बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है। लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, और इस चिंता के बीच किस तरह से हम कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से इसमें तमाम प्रिकॉशंस अपना सकते हैं ताकि हम इस इन्फेक्शन की गिरफ्त में ना। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जुड़ चुके हैं, कोरोना एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता एंटी कोरोना टास्क फोर्स को इस वक्त लीड कर रहे हैं, बहुत शानदार बात है। और इसके साथ साथ हमारे साथ एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर एम सी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय देने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप लगातार और कोरोना पेशेंट्स को डायरेक्ट डील कर रहे हैं, उस पूरी संस्था को आप लीड कर रहे हैं, जो इस वक्त टास्क फोर्स के तहत एक कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रही है, लेकिन मामले बहुत बढ़ गए, इतना डिफिकल्ट टाइम है हम सबके लिए। जी कुणाल जी, इस समय डिफिकल्ट टाइम है, पर एक पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि अगर मैं हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी देखते हैं लास्ट 24 आवर्स की, वो ऑलमोस्ट 81,533 केसेस के हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी, ये बात जरूर है। अभी अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करा था कि देयर शुड बी नो केयरलेसनेस टिल द कोविड-19 वैक्सीन और मेडिसिन इज लॉन्च्ड। ये हम सब इस बात को जानते हैं, जो एक कोविड-19 वायरस है, जो लोग इस समय सिक हो रहे हैं कोविड-19 से और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं माइल्ड सिम्टम्स से लेके मॉडरेट सिम्टम्स तक, वो बेसिकली रिकवर भी कर रहे हैं विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। क्योंकि ये जो वायरस है, हम सब इसको जान चुके हैं कि बिकॉज ऑफ द ड्रॉपलेट्स, चाहे वो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हो, कॉफ हो, स्नीज हो, एक्सहेल हो, चाहे ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो, हैवी टू हैंग इन द एयर है, चाहे क्विकली फ्लोर और सर्फेसिस पे हो रहा हो, तो इस समय हमें बचने के लिए जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस की, आयुष मंत्रालय की, और जो बार बार कह रहे हैं हम सब डॉक्टर्स भी इस चीज को कह रहे हैं, मास्क को हमेशा पहनना है, देयर शुड बी द प्रॉपर प्रिकॉशंस, द बैरियर्स, द उतना ही घर से जरूर निकले जितना आवश्यक हो, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फ्रिक्वेंट यूज ऑफ हैंड हाइजीन। तो अगर हम इस चीज से करेंगे तो हमारे चीजें फिर से नॉर्मलाइज की तरफ होंगी। जब सब कुछ लापरवाही देखिए कुणाल, सब लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं गुड़गांव से जयपुर जा रहा था, और बाय रोड एक ट्रक में 70 लोग भरे हुए थे पीछे। पहले तो ट्रक में 70 लोग जा क्यों रहे थे? अच्छा, 70 लोग एक ट्रक में भरे होंगे, कोई मास्क नहीं होगा, डिस्टेंसिंग का तो प्रश्न ही नहीं होता है। कमोवेश ये परिस्थिति हमारे बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में प्रिवेल कर रही है। हम केवल दिल्ली गुड़गांव को देख के कहते हैं, कुछ लोग मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट अधिकतर लोगों में डर नहीं है और ना उनको कोई चिंता है। आप जाइए, मास्क होगा तो वो नीचे लटका होगा या होगा ही नहीं, और हमको अपने साथियों को, डॉक्टर साथियों को कहना पड़ता है मास्क ठीक से लगाइए जब मीटिंग के लिए आते हैं। तो ये लापरवाही हर लेवल पे है। ये अगर आप देखें दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में आज के पिछले हफ्ते 4 से 11 सितंबर के हफ्ते में 1.8% बढ़ोतरी देखी गई केस की, 2.2% मोर्टेलिटी है,
100,000 से ज्यादा पर मिलियन टेस्ट हो रहे हैं, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि टेस्ट की संख्या कम हो रही है, इसीलिए पकड़ में भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि हमारा भारत में रिकवरी रेट अच्छा है, और आखिर में अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे एक राज्य था, मैं कल चर्चा में था वहां पे, तो वहां पे रिकवरी रेट थोड़ा कम देखने में आ रहा है, इसलिए कि जो बढ़ोतरी शुरू हुई है वो अभी शुरू हुई है। तो अब जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं वो 2 हफ्ते उनको रिकवर होने में लगेंगे। अच्छी बात ये है इस इन्फेक्शन की, अधिकतर लोग, मैं कहूंगा 95-97% लोग ठीक हो रहे हैं, केवल 1-2% लोगों को सिकनेस होती है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और उससे भी कम लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। और शुरू से हमने इस बात को माना है और कहा भी है कि जो विदेशों में भी लोगों का एक्सपीरियंस हुआ कि वेंटिलेटर इसका इलाज नहीं है, बल्कि वेंटिलेटर पे जो लोग गए उनमें आउटकम खराब था, वनस्पति जिनको खाली ऑक्सीजन दी या अवेक प्रोनिंग करके उनके लंग्स को ठीक किया गया। तो काफी अब चूंकि दवाइयां भी आ गई हैं, कुछ कंसेप्ट्स भी थोड़े ठीक क्लियर हुए हैं कि भाई रेमडेसिविर आ गई, मॉडरेट टू सिक पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी भी आ गई है, फिर टोसिजिलुमैब भी हो गई है, किसी को साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, इसके अलावा फेविप्लू आ गई है जिनमें माइल्ड डिजीज है उनको वो दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे पास है ही, आइवरमेक्टिन भी चल रही है, यूपी में प्रोटोकॉल है जिंक आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का, बाकी जगह पे प्रोटोकॉल है आपका एजिथ्रोमाइसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिंक का। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट्स काफी क्लियर हुए हैं, हमें भी पता है, लेकिन मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक कोई ठोस दवाई नहीं आती, जब तक कोई ठोस वैक्सीन नहीं आती जिसकी संभावना है जनवरी फरवरी मार्च तक आने की, तब तक हमें यही इसी को दवाई मानना है, प्रिवेंटिव मेजर्स को, और इन्हीं को इसी को वैक्सीन मानना है। कुणाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह हम सिंगल डे स्पाइक भी देख रहे हैं, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक जो गई है कोविड 19 केसेस की, ऑलमोस्ट 97,570 न्यू केसेस, और जैसे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उस परसेंटेज के हिसाब से 1,201 डेथ्स जो अभी हमारे लास्ट 24 आवर्स की जो हमारी जो फेटालिटी गई है। अब गवर्नमेंट ने इतने टेस्टिंग सेंटर्स के लिए प्रमोट करा है, प्राइवेट प्लेयर्स भी लैब्स में सब आ गए हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि टेस्ट होने जरूर होने चाहिए, और इस समय RT-PCR कोविड 19 एंटीबॉडी टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं सेंटर्स हैं वो सब इस समय काफी एक्टिव हैं, सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं, और जान है जहान भी है वो वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये सब अनलॉक फेज चल रहा है जहाँ पे एवरी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्क एक्टिविटी, ऑफिस एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड, तो टेस्ट तो वॉलंटरीली करने चाहिए, टेस्ट हो रहे हैं। पर मैं चीज देख रहा हूँ, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी हॉस्पिटल भी जाते हैं, वर्क भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, मीटिंग्स भी जाते हैं, लोग अपने गवर्नमेंट की जो दी हुई आरोग्य सेतु ऐप है लोग उसको पीरियोडिकली एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, ये एक अपने आप पे बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर लोग अपने सिटीजन हमारे आरोग्य सेतु ऐप को भी अपडेट करके रखेंगे तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कोविड 19 ट्रैकिंग का, ट्रेसिंग का, वो चीज फिर से बहुत एक्टिव हो जाएगी, तो शायद फिर इतने इतने हम लोगों को कंपल्सरी मैंडेटरी टेस्टिंग ना करवानी पड़े, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। जहां तक माइल्ड सिम्टम्स की बात है, जहां पे मॉडरेट सिम्टम्स की बात है, मैं MH1 चैनल के माध्यम से यही आग्रह करता हूं कि पेशेंट्स को टेस्टिंग के लिए जरूर 24 मामले सामने आए, और या फिर ये मान लिया है कि नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ा दी गई, इसलिए लोगों में इंफेक्शन की जो लिस्ट है वो ज्यादा बढ़ गई। नहीं देखिए, डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी कहा, हम लोग भी कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाइए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये 3 T हैं जो हमारे पिलर्स हैं कोविड से लड़ाई लड़ने के। तो टेस्टिंग शुरू में कम थी, एक लैब थी मार्च में, आज हमारे पास 2,000 के लगभग लैब्स हो गई हैं,
हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट भी ऐड हो गया है, वो भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आरटीपीसीआर, क्योंकि आरटीपीसीआर की भी 30% फॉल्स नेगेटिव रेट है। अगर एंटीजन को भी ठीक से नहीं करेंगे उसमें भी फॉल्स नेगेटिव होने की संभावना रहती है। तो जो एक तरफ हम कह रहे हैं टेस्ट बढ़ाई है, टेस्ट बढ़ेंगे तो थोड़ा नंबर भी बढ़ेगा, उससे पैनिक नहीं किया जाए, क्योंकि पता लगना है आवश्यक है कि अगर मेरे को संक्रमण है तो मैं अपने को क्वारंटाइन कर लूं 14 दिन के लिए, चाहे मुझे माइल्ड सिम्टम हो या कोई सिम्टम नहीं हो। टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है, और चूंकि कम्युनिटी स्प्रेड अब वाइड स्प्रेड है तो इसलिए टेस्टिंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और टेस्टिंग जितनी रैंप की जाएगी उतने ही संक्रमित लोग पता लगेंगे, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक, क्योंकि स्पेक्ट्रम इस बीमारी का बहुत बड़ा है। एक तरफ बिल्कुल बिना सिम्टम के आदमी है, दूसरी तरफ आईसीयू में पड़ा हुआ है आदमी, ऑक्सीजन मिल रही है, और तो इसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है, सिम्टोमेटोलॉजी इतनी वेरिएबल है कि सबके एक से लक्षण नहीं होते। बहुत सारी बातें हैं, शुरू में सिर्फ आया कि गले में खराश होगी, थोड़ा बुखार होगा, थोड़ी सी सांस में तकलीफ होगी, बाद में आ गया डायरिया भी हो सकता है, बाद में आया स्मेल भी जा सकती है, बाद में आया कि आपका टेस्ट भी जा सकता है, बाद में आया हेडेक भी हो सकता है आपको, माइल्जिया इतना कस के होता है कुछ लोगों को, उठ नहीं पाते बिस्तर से, बाद में भी शिकायत रहती है, कुछ लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स आए, फिर देखा कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना हो रहा है, स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रही है, और लोग इससे लंग काफी ग्रसित हो रहे हैं इससे। तो बहुत सारी चीजें हमें अब पता लग गई हैं इसके बारे में, और बहुत सारी अभी भी पता लगना बाकी है, लेकिन कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इसके देखने में आ रहे हैं, जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग पल्मोनरी डिजीज है, जिनको ये हो रहा है निमोनिया इसका कोविड का, उनको फाइब्रोसिस हो रही है, सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म लोगों को जरूरत पड़ रही है। तो बहुत सारी बातें इसमें ऑन वे हमको पता लगती गई हैं और अभी भी पता लगेंगी, लेकिन मुद्दा यही है कि आप अपने को बचाएं कैसे इससे। और बचाने का जो साधन है वो डॉक्टर साहब ने भी बताया, आपने भी बताया, मैंने भी बताया, और खूब बता रहे हैं, सारी चैनल्स बता रही हैं, लोग सुने और गुणे उसको, यही उनके उनके हाथ में है, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, किसी को भी हो सकता है ये। अब पहले तो लोगों की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही थी कि दिल्ली मेट्रो को चलाया जाए, दिल्ली लाइफ मेट्रो लाइफ लाइन है, हमारा काम अटका पड़ा है, हम कैब या ऑटो को नहीं दे सकते ज्यादा पैसे, मेट्रो चलाओ। अब मेट्रो चल गई है तो आज ही ये लिस्ट सामने आई थी अराउंड 92 लोगों के चालान काटे गए, ना मास्क से पहनकर एंट्री कर ली, मास्क मेट्रो में घुसे, मास्क नीचे उतार दिया और चिपक बैठे हुए बगल में। अब ये जो लापरवाही है, ये जो पूरी साइकोलॉजी है, इस पर क्या, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर लोग मेट्रो में चेक इन करके उसके बाद मास्क उतार रहे हैं तो मैं तो चलान कटा है तो मैं तो वाकई में MH1 के माध्यम से बोलूंगा उनका डबल चलान जरूर करें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये COVID-19 है, बेसिकली आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा है जो जनरेट हो रहे हैं। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन या COVID-19 का जो कैरियर है वो चाहे कॉफ कर रहा हो, एक्सहेल कर रहा हो या स्नीज कर रहा हो, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बेसिकली चाहे टू हेवी हो वो एयर में भी सस्पेंड हो जाते हैं या क्विकली फ्लोर कर जाते हैं जब मेट्रो की सीट है या फ्लोर पे या उसके पर्टिकुलर सरफेस पे। दूसरा आदमी संक्रमित हो सकता है जब वो उसको ब्रीथ कर रहा है और जब वो उसके प्रॉक्सिमिटी में होता है जिसको COVID-19 हो रखा है या उसने किसी कंटामिनेटेड एरिया को टच करके कर रखा है या फिर वो उसके बाद अपना आंख को छूता है, मुंह को छूता है या फिर अपने एनी पर्टिकुलर एरिया को टच करता है। तो ये तो मैं जरूर बोलूंगा कि मास्क को जरूर पहने और अगर मेट्रो में जा रहे हैं तो वहाँ भी पूरा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इस चीज को जरूर फॉलो करें। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, एक अहम सवाल है क्योंकि लोगों से जब बात की जाई तो उन्होंने कहा कि जो अक्टूबर, ये जो अगस्त सितंबर का जो पूरा फेज जा रहा है, रेनी सीजन है, मॉनसून का सीजन है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं कर पा रहे कि ये उनका मौसमी बुखार है, सर्दी जुकाम मौसम से हुआ है या कोरोना को लेकर वो थोड़े डरे हुए, ऐसे लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें मैं सबसे सबसे ये कहता हूँ, जो भी मेरे को फोन करके बोलता है जिसको मैं जानता हूँ या वैसे भी हॉस्पिटल में भी कि मुझे बुखार है फलाना है, मैंने कहा इसको आप कोविड मानिए और एक्शन लीजिए उस तरीके से, कुछ और निकलेगा तब बाद में देखेंगे, पहले कोविड मानिए उसको, क्योंकि कोविड से बच जाएंगे आप तो बाकी बीमारियों से भी बच जाएंगे। ठीक है, अभी डेंगू भी हो सकता है, अभी मलेरिया भी हो सकता है, अभी टाइफाइड भी हो सकता है, लेकिन चूंकि कोविड इतना फैला हुआ है और ये निकलता भी वही है,
कल ही मैंने किसी को कहा था कि आप कोविड मानिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनका ये टाइफाइड का वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा मत करिए, अभी पहले कोविड का कराइए, आप कोविड का शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कोविड ही है इस समय, टिल प्रूव्ड अदरवाइज कोविड मान के चलिए आप, और अकॉर्डिंगली उसके प्रिकॉशंस लीजिए, दवाई लीजिए, माइल्ड है, घर पे रहिए, आइसोलेट करिए अपने को, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लो, जिंक लो, एजिथ्रोमाइसिन लो, आइवरमेक्टिन लो, जो लेना है, जो एडवाइस होती है आपकी, जिस जिस डॉक्टर से भी सलाह ली है वो करिए फॉलो, और उसके बाद अगर फीवर नहीं ठीक होता 3-4 दिन में, तो उसका फिर और जांच हो जाएगी। लेकिन कोविड कम से कम वो आपके लंग्स तक तो नहीं पहुंचेगा, और लंग नहीं पहुंचेगा तो आप बच जाएंगे उससे। तो मेरा कहना यही है कि कंसिडर एनी फीवर टूडे, फर्स्ट कोविड, देन एनीथिंग एल्स, नॉट अदरवाइज। उन लोगों के लिए आप क्या कुछ स्पेसिफाई करेंगे जो इस वक्त एहतियात लेकर चल रहे हैं, जिन्हें भले ही कोरोना नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे कि ये कितना अहम है और इसको आगे भी प्रोसीड करते रहे? बिल्कुल, देखिए अपनी डाइट और एक्सरसाइज, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको नहीं भूलना है इस टाइम पे भी। योग किसी फॉर्म में योग करिए, वॉक करिए मॉर्निंग में, चाहे मास्क लगा के करिए, अगर अकेले कर रहे हैं तो बिना मास्क के भी कर सकते हैं अगर भीड़ नहीं है पार्क में तो। अदरवाइज अपनी लोकेलिटी में जो आपके नियम है, जैसे हमारे जो RW है उसने मैंडेटरी किया है कि हम वॉक पे जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे, हम मास्क पहन के जाते हैं, लेकिन मास्क पहन के आप बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वॉक तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा गर्म पानी जो भी है आपका, आयुष मिनिस्ट्री की जो रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो करिए, अदरक का सेवन है, लहसुन का सेवन है, ये सब बढ़ा सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं, जो भी फल खाइए, ताजे फल खाइए। अब एप्पल आना शुरू हो गया, हिमाचल का भी शुरू हो गया, कश्मीर का भी शुरू हो गया, खूब एप्पल का सेवन करिए। वन एप्पल कीप डॉक्टर अवे, टेक वन एप्पल एवरी डे, कीप द डॉक्टर अवे, तो उससे आपको पूरी उसमें मिनरल्स भी मिलेंगे, उसमें आपको आयरन भी मिलेगा। बनाना आ रहा है, खूब बनाना खाइए, दिन में 3 खा लीजिए। तो फ्रेश फ्रूट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बाकी जो आपका सामर्थ्य है और जो आप ठीक समझते हैं वो करिए, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी। बैलेंस्ड डाइट, वेजिटेरियन डाइट, और अगर आप अंडा खाते हैं, अंडा खा सकते हैं, कोई नॉनवेज खाता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है, पका हुआ, अच्छा पका हुआ, साफ सुथरे थे, नॉनवेज भी खा सकते हैं, कोई उससे बीमारी नहीं होने वाली है अगर अच्छे से पका हुआ है, बनाया हुआ है। मैसेज के थ्रू आया है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि वो डर के मारे इस वक्त कोविड टेस्टिंग सेंटर इसलिए नहीं जा रहा कि उसे डर है कि अभी तो वो ठीक है, लेकिन अगर वॉलंटरली जाकर वो टेस्ट कराएगा रिपोर्ट लेने के लिए, या ऑफिस की तरफ से उसे कहा गया, तो उसे डर इस बात का है कि जो टेस्टिंग करने वाला है उससे तो इन्फेक्शन ना आ जाए, ये टेस्टिंग सेंटर में और भी जो लोग हैं उनसे उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। नहीं, अगर आपको कोई लक्षण नहीं है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, मास्क आप लगा रहे हैं, तो मान लीजिए आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो आप इन्फेक्शन नहीं देंगे। और आज ये भी देखने में आया कि एक चीज और, एक फिनोमिना और भी आया देखने में, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, अब वो कई बार पॉजिटिव आता जाता है, तो वो कभी डेड वायरस की वजह से भी पॉजिटिव आता जाता है। तो इसलिए अब हम लोग एग्जिट पे नेगेटिव टेस्ट का वेट नहीं कर रहे डिस्चार्ज से पहले, और पेशेंट को घर भेज दें, और इस तरह के जो रोगी हैं वो संक्रमण फैला भी नहीं सकते, अगर वायरस डेड है तो संक्रमण नहीं फैलेगा। इसी तरह से जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको कहीं भी थोड़ा किसी के संपर्क में आए हैं, शक है कि उनको हो सकता है, तो आप कम से कम मास्क लगा के रखिए, अपना घर में भी लगाइए, अगर आपको ऐसा डाउट है आप किसी के संपर्क में आए हैं और टेस्ट करा हो सकता है तो करा लीजिए, नहीं हो सकता है तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं। मैं तो जिनको सिम्टम्स होते हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप मान के चलिए ये कोविड है, कराइए मत कराइए आपकी मर्जी है, आप ये मान लीजिए, उसी हिसाब से प्रिकॉशन लीजिए, अपना फेस कवर करिए, अपने को घर में आइसोलेट कर लीजिए, अपने बाकी लोगों से अलग कर लीजिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक साथ खाना मत खाइए, पंचायत में बैठ के खाना मत खाइए, किसी से बहुत करीब आके बात मत करिए, तो ये सब एक क्लोज डोर मीटिंग्स मत करिए, तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये प्रिकॉशंस लोग लेते हैं, टेस्ट कराए नहीं कराए उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट तो एक अपने उसके लिए होता है, जानने के लिए एक सरकार को रिपोर्टिंग हो जाती है कि भाई कितने लोग पॉजिटिव आए, तो उसमें अभी भी हमको ऐसा तो है नहीं कि हम करोड़ों लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें अभी भी हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को कोविड हो सकती है एसिम्प्टोमेटिक, और वो ठीक हो रहे हैं लोग, ज्यादातर लोग तो ठीक ही हो रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में जो सीरो सर्वे के नतीजे आए,
28% लोगों में एंटीबॉडी मिली, इसका मतलब उनको इन्फेक्शन हो गया और ठीक हो गया, उनको कोई लक्षण नहीं आए। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड में ये होता देखने में आता है। इसी को जब अगर हम कहते हैं 60-70% लोगों में अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो समझिए कि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रही है कम्युनिटी। तो इसलिए इसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं, और कोई लक्षण नहीं है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, किसी के संपर्क में नहीं आए तो टेस्ट कराने की वैसे जरूरत नहीं है आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोरोना जैसी बीमारी पर विस्तार से ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल बीच में हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त क्रूशियल भी हो सकता है, लेकिन तमाम समय समझदारियों के बीच आप अपने आप को कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा सकते हैं। और हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।